नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई रेल दुर्घटना होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, कोलकाता से उदयपुर सिटी जाने वाली अनन्या एक्सप्रेस में लगी भयंकर आग। हुई बड़ी रेल दुर्घटना। आखिर इस ट्रेन में कैसे लगी आग और कब लगी, कितने यात्री घायल हुए हैं, क्या है पूरी घटना, जानेंगे विस्तार से। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बड़ी रेल दुर्घटना की बात करूं, तो ये दुर्घटना बिहार के जमुई रेलवे स्टेशन पर हुआ है। ट्रेन संख्या 12315 कोलकाता उदयपुर सिटी अनन्या एक्सप्रेस में लगी अचानक से भयंकर आग, जिसके बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच उपरा तपड़ी का माहौल बन जाता है। कोलकाता से उदयपुर सिटी जाने वाली अनन्या एक्सप्रेस गुरुवार की देर शाम करीब 6 बजे के आसपास जमुई रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसी दौरान ब्रेक शू में आग लग जाती है। इससे ट्रेन और स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस घटना की वजह से अनन्या एक्सप्रेस जमुई रेलवे स्टेशन पर करीब 1 से 2 घंटे तक रुकी रही। बताया जा रहा है कि ट्रेन के AC2 Tier A1 के ब्रेक शू में अचानक से भयंकर आग लग जाती है। इस मामले में रेलवे अधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि ब्रेक शू में आग लगने के बाद धुआं निकलने लगा। इसके बाद स्टेशन पर खड़े अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया गया और स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन को फिर से गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस घटना के दौरान किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पाने के बाद यानी कि किसी भी यात्रियों की घायल होने की खबर नहीं है। और आनन फानन में रेल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू और सफलतापूर्वक कर ली। रेल कर्मियों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल जाता है। बाकी बार बार हो रहे इस प्रकार के रेल दुर्घटना में किसकी गलती है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।